लिटिल कृष्णा माखन चुराने की कोशिश कर रहे हैं, पर तभी पोतना आती है और पत्थर मारकर सभी माखन गिरा जाती है। अब कृष्णा गुस्से में पोतना के पीछे दौड़ रहे हैं। क्या कृष्णा पोतना को सबक सिखा पाएंगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अब लिटिल कृष्णा का ये सफर बहुत ही मुश्किल होने वाला है, क्योंकि उन्हें रास्ते में बहुत सारी बाधाओं का सामना करना होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमारे कृष्णा सब कर सकते हैं। हाँ, कृष्णा सब कर सकते हैं, क्योंकि वो सच्चाई के साथ है और जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है दोस्तों। लेकिन सच्चाई के रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, जो कि इस समय पूतना उनके रास्ते में डाल रही है। लेकिन हमारे कृष्णा हार मानने वालों में से नहीं है। वाओ, कृष्णा तो हवा में उड़ रहे हैं, ये कैसी अद्भुत लीला है। लीलाधर है, कोई लीला तो अवश्य ही रचाएंगे। पूतना अपने जादू से लिटिल कृष्णा को एक गुफा में खींच लेती है, पर माखन चोर को फंसाना इतना भी आसान नहीं है। कृष्णा अपनी रफ्तार बढ़ाकर पूतना को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन मायावी राक्षसी को पकड़ना इतना आसान भी नहीं है। अब पूतना उन्हें पाताल लोक की तरफ लेकर जा रही है, जहां दोनों के बीच में भयंकर युद्ध होने वाला है। कृष्णा ने पूतना पर सुदर्शन चक्र से वार किया। बदले में पूतना ने कृष्णा पर अपने अस्त्रों से हमला किया। उसके अस्त्रों से बचकर कृष्णा ने उस पर एक और वार किया। पूतना के ऐसे हमलों से कृष्णा बहुत मुश्किल से बचे, और फिर कृष्णा ने एक ऐसा वार किया कि पूतना घायल हो गई। दोस्तों, सच्चाई की जीत हमेशा होती है, ये हम सब लोग जानते हैं, लेकिन बुराई को भी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता। पूतना पाताल लोक से बचकर भाग गई, और हमारे कृष्णा की ये जर्नी अगली वीडियो में जारी रहेगी। जानने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।